भैया, ए भैया, ए भैया, इफ, ए भैया, ए भैया, ए भैया, ए राम जी, ए राम जी, ए भैया, अगर राम जी हमारी आवाज सुन रहे हैं ना, तो इन मैडम के कहने से महाराष्ट्र की सरकार गिरा दीजिए, गिरा दे भगवान। ए भैया सुन लिए, ए हनुमान जी महाराज, मंगलवार को मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, गिरा दो सरकार, गिरा दो, पत्रकार के कहने पे गिरा दो, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं। राहुल गांधी से नहीं, पूरी देश की 135 करोड़ जनसंख्या से भी मोदी जी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी से तो उनके चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाएंगे मोदी जी। मोदी गिड़गिड़ाएंगे, कब गिड़गिड़ाएंगे अभी जल्द में देख लेना, जल्द में देख लेना, मोदी जी गिड़गिड़ाएंगे। सदन बंद करवा देते हैं, माइक बंद करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग कहते हो मोदी जी गब्बर शेर हैं, अगर मोदी जी गब्बर शेर होते तो राहुल गांधी का नाम सुनकर धुक 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 क्यों होने लगती है, बताओ। पीछे ऐसे आराम से खड़े हो जाओ, सबको स्पेस मिल जाएगा। और क्या सवाल, मतलब सब पूछोगे, मतलब हाँ सब पूछो। चल बस ठीक है, ये बढ़िया है, जो महान है वही। सबसे पहला सवाल अनुराग, प्रेम क्यों खराब कर रहा है? सबसे पहला सवाल, मोदी ने भी दावा कर दिया राहुल गांधी पे, एक और केस बिहार में होने जा रहा है। एक चीज बताइए, बिहार में नहीं, इंग्लैंड में भी केस हो रहा है राहुल गांधी के खिलाफ, पूरे दुनिया में केस हो रहा है, कैसे देख रहे हो? किस लिए भैया केस? जितने भी लुटेरे मोदी ने केस, जितने लुटेरे और भगोड़े हैं वो नरेंद्र मोदी पर केस उनको करना चाहिए, राहुल गांधी करना चाहिए। और केस करने से राहुल गांधी का भैया एक भी बाल टेढ़ा होने वाला नहीं। गांधी जी जेल में गए थे, नेहरू जी जेल में गए, पटेल साहब जेल में गए, सब जेल में गए थे। राहुल गांधी के जेल जाने से देश में एक क्रांति उत्पन्न होगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी निचुड़ जाएगी। राहुल गांधी ने पूरा देश में हिंदू मुसलमान कर रखा है, सबको लड़ा दिया आपस में लोग। भाइयों बहनों मित्रों कौन करता है? राहुल गांधी करते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान। मैडम आप बताइए कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है। सिर्फ भाइयों बहनों मित्रों वही करते हैं और क्या, भारत बिल्कुल बिल्कुल। भाइयों बहनों मित्रों, हिंदू खतरे में, हिंदू भैया काहे खतरे में है? किसने बोला हिंदू खतरे में? भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी। एक भैया नाम बता के सोच रहे कि एक बंदे का नाम बता दे, मानहानि का केस ठुकवा दे, अब चाहते हो यही? भारतीय जनता पार्टी भैया माफी, हमारा नाम अनुराग ओझा है, अनुराग सावरकर कहाँ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक भी बंदा ऐसा बता दो जो ना कहता हो, और जितने भी उनके पत्रकार सुनिए। अरे आप ये बताइए, राहुल समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी का फोटो लगाओ, मोहब्बत की दुकान खुल रही है, क्या लग रहा है दुकान बंद होगी, ताला लग गया? कभी ये दुकान बंद नहीं होगी, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तभी तो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, क्योंकि ये हमेशा नफरत की दुकान खोलते हैं, मुसलमान की दुकान खोलते हैं, ब्राह्मण और दलित की दुकान खोलते हैं। शटर लग गया दुकान पे? अरे वही दुकान में तो शटर लग रहा है, उसी दुकान में तो शटर लग रहा है, तभी तो मोदी जी की मिर्ची लग रही है। सदन बंद करवा देते हैं, माइक बंद करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग कहते हो मोदी जी गब्बर शेर हैं, अगर मोदी जी गब्बर शेर होते तो राहुल गांधी का नाम सुनकर धुक 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 क्यों होने लगती है, बताओ। भारतीय जनता पार्टी का आरोप तो यह है राहुल गांधी देश जोड़ने नहीं, देश तोड़ने चले हैं। अच्छा, देश तोड़ने चले भैया, राहुल गांधी ने क्या जोड़ा है? कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया, युवाओं का दिल टूटा, वो दिल जोड़ने का काम रही है। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण करेंगे, महिला आय सुरक्षित है, महिलाओं का दिल टूटा वो जोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों का दिल टूटा वो जोड़ने का काम करते हैं। आप बता रहे हो कि देश तोड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी का क्या होगा? सड़क पर आ गए राहुल गांधी, घर नहीं रहा। राहुल गांधी हमारा घर आपका घर, आप हमारे घर पे आइए, नॉन रोटी खाएंगे, संग में रात बिताएंगे, आइए हमारे घर पे। सांसद ही चली गई भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारे दिल से तो राहुल गांधी को नहीं खदेड़ सकते हो ना। कितना भी नफरत बोलोगे लेकिन मोहब्बत अंदर जो है वो तो नहीं खत्म कर सकते। क्या लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं 24 में विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी? अरे चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी तो। किसने कह दिया? आपने कह दिया राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएंगे हम कह रहे हैं। ये मैडम भारतीय जनता पार्टी कितना भी कर लेगी, अभी देखना, कुछ दिन बाद हो सकता है आपके चैनल पे मोदी जी आके। भाइयों बहनों मित्रों, मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने लगातार कांग्रेस की और राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ों पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी उनकी छवि खराब ना हो। मोदी जी माफी मांगेंगे, बिल्कुल मोदी जी माफी मांगेंगे, मोदी जी राहुल गांधी से नहीं, पूरी देश की 135 करोड़ जनसंख्या से भी मोदी जी माफी मांगेंगे। राहुल गांधी से तो उनके चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाएंगे मोदी जी। मोदी गिड़गिड़ाएंगे, कब गिड़गिड़ाएंगे अभी जल्द में देख लेना, जल्द में देख लेना, मोदी जी गिड़गिड़ाएंगे। राहुल गांधी गिड़गिड़ाएंगे, आप मोदी जी गिड़गिड़ाएंगे। ए ए मैडम, ए मैडम, अगर उनको गिड़गिड़ाना होता ना तो कह देते कि हमको भैया माफ कर दीजिएगा। उसका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। और सुनिए, उसका नाम राहुल गांधी है। सावरकर वाले बयान पे महाराष्ट्र में सरकार गिर सकती है। सरकार महाराष्ट्र में किसकी है?
महाराष्ट्र में सरकार किसकी, एक बार बताइए। हम तो कहते हैं भैया ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया ए भैया ए राम जी, ए राम जी, ए भैया। अगर राम जी हमारी आवाज सुन रहे ना, तो इन मैडम के कहने से महाराष्ट्र की सरकार गिरा दीजिए, गिरा दे भगवान। ए भैया सुन लिए, हे हनुमान जी महाराज, मंगल सुनिए, मंगल मंगलवार को, मंगलवार को, मंगलवार को मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। गिरा दो सरकार, गिरा दो, पत्रकार के कहने पे गिरा दो, मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं। ए भैया सवाल किया है तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने तो कहा ना कि सरकार गिर जाए मैं 50 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। वार्निंग दी है, साबर थोड़ी ना है, मजाक में। ओए दीदी दीदी, ओए दीदी, ये कौन सा शब्द है भैया, ये कौन सा है, एक चीज बताइए। अच्छा अच्छा, ओए दीदी दीदी, ये मतलब ये बोलने का तरीका है। इसीलिए एक चीज सुनिए, इसीलिए तो केजरीवाल ने कहा कि 10वीं 12वीं पास अगर प्रधानमंत्री बन जाएगा तो ऐसे ही बात करेगा ना।